तो है आप सबका वेलकम है आज की इस वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ वीडियो लर्निंग। चलिए देख लेते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी एंगेजमेंट। तो विजुअल और ऑडिटरी एंगेजमेंट, तो क्या होता है कि वीडियोस में कंबाइन दो चीज़ें होती हैं, एक तो विजुअल है और दूसरा ऑडिटरी, यानी कि देख भी रहे होते हो आप, सुन भी रहे होते हो। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक ऐसा लर्निंग स्टाइल डेवलप करती हैं कि जिससे आपका जो कंटेंट होता है आप उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इंगेज हो सकते हो और आपको बड़ा इजी वे में आप कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो लर्नर जो है वो वीडियो को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है, एनी टाइम एनी वेयर। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकता है, और जब उसका दिल चाहे, रात को 1 बजे कॉन्सेप्ट समझना है तो उठ के वो 1 बजे कॉन्सेप्ट समझ सकता है, ठीक है। उसमें कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं है, कोई भी प्लेस की लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद है रिप्लेएबिलिटी। तो वीडियो में सबसे बड़ा जो एक फीचर है वो है कि आप वीडियो को कहीं पर भी पॉज कर सकते हो, समझ नहीं आई दोबारा से रिप्ले कर सकते हो, फिर समझ नहीं आई दोबारा से रिप्ले कर सकते हो। आप पूरी ज़िंदगी अपने रिप्ले कर सकते हो, वो वीडियो रिप्ले होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा रिप्ले किया तो वीडियो ने कहा ए बस कर, अब हो चुका ना रिप्ले यार, 1-2 दफ़ा 5 दफ़ा। किसी इंसान से आप पूछोगे, अक्सर टीचर कहते हैं मुझसे 100 दफ़ा पूछो मैं आपको 100 दफ़ा बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। इंसान की जो हैबिट है, इंसान का जो एक मूड है, वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वीडियो में रिप्ले जितनी बार कर सकते हो भाई हो सकता है, कोई इशू नहीं। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा, रिप्ले कर दिया, पीछे से फिर देख लिया, उसका रिव्यू कर लिया, फिर पीछे से देख लिया, जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता रिप्ले कर सकते हो। उसके बाद है कंसिस्टेंसी इन डिलीवरी। वीडियो में क्या होता है कि ये इंश्योर किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसिस्टेंटली, यार ये बड़ा अजीब वर्ड है, कंसिस्टेंटली एवरी टाइम। मतलब कि वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, और ऐसा नहीं कि उसमें रुक के कोई चाय पानी का टाइम ब्रेक होता है, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें आपको कंसिस्टेंटली जो है वो सारा डाटा प्रोवाइड किया जाता है। हो सकता है कि एक वीडियो 5 मिनट की हो सकती है, टॉपिक के हिसाब से कंसिस्टेंट है, उसमें देखिए उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है चाय का, टी का, इवन कि अगर ब्रेक हो भी सही तो उसमें वीडियो में एडिट करके उसको डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद है कि इसमें स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग जो है और एजुकेशन में ये काम आती है चीज़ें, वहाँ पर टाइम आपका सेव होता है, कंसिस्टेंटली आपको कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग डिलीवर की जा सकती है। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब और इस तरह की और भी जो एजुकेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप देखें तो वो आपको इतना ज़्यादा वाइड रेंज में रिसोर्सेज आपको मिलता है, एक ही टॉपिक पे 50-50 वीडियो आपको मिल जाएंगी, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव का टीचिंग मेथड वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। कोई पर्सन जो है वो लेक्चर मेथड से समझा रहा है, कोई पर्सन स्टोरी टेलिंग में समझा रहा है, तो डिफरेंट लर्नर जो है वहाँ से एक्सेस करके डाइवर्स जो लर्निंग मटेरियल है, लर्निंग रिसोर्स है, उससे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद इंगेजमेंट थ्रू मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर वीडियो जो है उनमें ग्राफिक्स, एनिमेशन और पता नहीं मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, इलस्ट्रेट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको बड़ा इजी वे में समझाया जाता है। मतलब कि वीडियो में देखो ना, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो, आप मॉडल यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई फिजिकल चीज़, इवन कि आपको कोई व्हाइट बोर्ड पर कोई ड्रॉ लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी कोई वीडियो समझाने वाली को लेकर आप यूज़ कर सकते हो। और जो मल्टीमीडिया हैं चीज़ें, ये बहुत कमाल की हैं, आपकी जो लर्निंग है कॉन्सेप्ट को समझने में वो बहुत इजीली हो जाती है, इंगेजमेंट थ्रू मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जो है सच में इंगेज करके रखता है। उसके बाद है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो वीडियो जो है वो कॉस्ट को बहुत कम कर देती है, इवन के बस जो पर्सन ने वीडियो बनाई है उसी में उसकी को कुछ कॉस्ट आई होगी और वो उसको रेवेन्यू के थ्रू वापस भी मिल चुकी होगी। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, जैसे कि ट्रैवल के आपके खर्चे बच जाते हैं, आपको कहीं जाकर, अब जैसे पहले होता था, पहले किसी को कॉन्सेप्ट समझना तो उसको जाना पड़ता था, कहीं पर ट्रैवल करना पड़ता था, वहाँ पर रहना पड़ता था, वहाँ पर कोई मटेरियल उसको लिखा हुआ होता था वो लेना पड़ता था। तो भाई अभी इस टाइम में ये तीनों चीज़ें, पाँचों चीज़ें तकरीबन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की वजह से कट चुकी हैं। और यहाँ पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बेहतरीन कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि यार क्या कॉस्ट होगी इसकी, एक कॉन्सेप्ट को समझने में आपको 1 रुपया इंटरनेट आपने पैकेज लगवाया बस उसी का कॉस्ट है आपके ऊपर, अदरवाइज देयर इज नो कॉस्ट। एक्सेस टू एक्सपर्ट नॉलेज।
तो वीडियो प्लेटफॉर्म जो है लर्नर को एक्सेस देते हैं कि वो लेक्चर और ट्यूटोरियल को एक्सपर्ट्स जो है उनसे भी समझ सकता है और उनसे जो है उनसे मतलब के वर्ल्ड वाइड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अपने एरिया में, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आमतौर पर फ्री भी होती है ये सर्विस और कहीं पर इसके थोड़े बहुत पैसे होते हैं। तो वो क्या करता है कि एक्सपर्ट्स से प्रीमियम मतलब के मेंबरशिप लेकर वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ तो फ्री में भी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है तो वो एक्सपर्ट से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है वो किसी भी पर्सन से पढ़ ले, वो अगर एक्सपर्ट वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव फीचर, तो वीडियोज़ में जो है वो बहुत सारे इंटरेक्टिव फीचर्स सच एज क्विजेस किए जाते हैं, कमेंट सेक्शन होता है नीचे, डिस्कशन फोरम भी अक्सर वीडियोज़ के कुछ होते हैं और उसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर होती है पहले से, आप एक चीज़ में डूब जाते हो, आपका जो सेंस है ना लर्निंग का वो इतना वाइड हो जाता है कि फिर आप उस टॉपिक वो मतलब कि मैं क्या कहूँ, वो आपके माइंड में ऐसे अटक जाता है वो टॉपिक। आमतौर पर क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ सुनते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो वहाँ पर जाते जाते हमारी जो एनर्जी है वो बहुत हद तक डाउन हो चुकी थी, लेकिन वीडियो में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्विजेस हो गए, कमेंट सेक्शन, ये सब आप जब पढ़ते हो, जब आप सब चीज़ों को ट्राई करते हो तो आप एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो। उसके बाद इंकरेज सेल्फ पेस लर्निंग, तो यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वो लर्नर को इस ये अलाउ करती हैं कि वो जो है अपनी लर्निंग जर्नी जो है वो मेंटेन रख सके और वो अपने हिसाब से लर्निंग कर सके थ्रू मटीरियल एट इट्स ओन पेस। मतलब उसकी अपनी क्या नीड है, ऐसा नहीं है कि उसने एक लेक्चर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसने एक लेक्चर ओपन किया, वो किसी बड़े प्रोफेशनल बंदे का, उसकी तो वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही, नीचे सेम एक बड़ा सिंपल वीडियो पढ़ी है, बड़ी सिंपल टॉपिक समझा रहा है वो बड़े सिंपल वे में, तो वो पर्सन उस वीडियो को देख के बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है। पहले उसने वो वीडियो नहीं देखी जो कि कॉम्प्लेक्स थी, उसने नीचे वाली वीडियो देखी तो उसे लगा कि यार ये मेरे पेस के हिसाब से है, उसने वो वीडियो देखी और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इनकरेज करता है ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग को, समझ आ गया आपको। उसके बाद है कंक्लूजन, वीडियो लर्निंग ऑफर नंबर्स एडवांटेजेस दैट मेक इट पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल, इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव कॉन्टेंट। वीडियो लेक्चर्स एंड प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब कैन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये जो मतलब कि वीडियो लर्निंग के जो इनॉर्मस एडवांटेजेस हैं इसके, वीडियोज़ के थ्रू आप जो लर्न करते हैं, ये पावरफुल टूल है एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए, किसी भी अगर आप टॉपिक को कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। फ्लेक्सिबल है, इंगेजिंग है, इंटरेक्टिव है, कंटेंट की बहुत ज़्यादा भरमार है, वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, यूट्यूब एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इससे जो आपकी लर्निंग है आपको एनहांस एक्सपीरियंस मिलता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आप बहुत ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप एक्सपर्ट से नॉलेज हासिल कर सकते हो, अपने हिसाब से नॉलेज हासिल कर सकते हो और आप जो है अगर आपके पास कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट है आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो वीडियो के थ्रू और आप ख़ुद भी वीडियो बना सकते हो, आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, ये मॉडर्न एजुकेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच इस वीडियो को समझने के लिए, आई होप कि आपको ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो कि है एडवांटेजेस ऑफ वीडियो लर्निंग अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं।